हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो फ्रेंड्स बात करने वालों कैसे फ्रेंड्स आप भी अपने आईको के फोन फ्रेंड्स कॉलिंग सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, फोन कॉल सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। चलो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। अब फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले फ़ोन कॉल सेटिंग पर क्लिक करना है। फ़ोन कॉल सेटिंग पे क्लिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायल पे क्लिक करके फ्रेंड्स जो भी आपका नंबर है यहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हो अपने कॉन्टैक्ट में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप नंबर सेव कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर सेव हो जाए कॉन्टैक्ट पर आके आप यहाँ पर इसको देख सकते हो माई कॉन्टैक्ट नंबर। फ्रेंड्स देख सकते हो आज 15 अप्रैल है और हमने इसी को आज ही ऐड करा। देख सकते हो फ्रेंड्स अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ 15 अप्रैल सैटरडे हमने ये नंबर सेव करा है। अब फ्रेंड्स इस नंबर को आप एडिट करना चाहते हो फ़ोन में तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। कोई फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स फ़ोटो को इस तरीके से सेलेक्ट करके आप इस नंबर पे फ़ोटो को इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे आप इस नंबर को डिलीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स इस नंबर पर आप कोई रिंगटोन लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐसे रिंगटोन पर क्लिक करके इस पर रिंगटोन सेट कर सकते हो इस नंबर पर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से, और फ्रेंड्स यहाँ पर से तो ऐड अ फेवरेट, तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहते हो फेवरेट में तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रिमूव कर सकते हो अपने फेवरेट लिस्ट में से। और फ्रेंड्स यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी कॉल हिस्ट्री है, मिस कॉल हिस्ट्री है, और जो कॉल हिस्ट्री फ्रेंड्स यहाँ पर आप इनको चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी मेरे फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है तो यहाँ पर कॉल हिस्ट्री शो नहीं हो रही है, आपकी हो रही होगी फ्रेंड्स फ़ोन में। फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने ब्लॉक नंबर को चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपने कोई नंबर ब्लॉक कर लिया है, ब्लॉक कर रखा है, या आपसे गलती से ब्लॉक हो गया तो फ्रेंड्स यहाँ पर आके आप इसको देख सकते हो और यहाँ से आप उस नंबर को अनब्लॉक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये अनब्लॉक हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आके अपने आप डायलर थीम को सेट कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको डार्क रखना चाहते हो, डायलर थीम को डार्क रख सकते हो, या फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको लाइट रखना चाहते हो सिस्टम डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर आप लाइट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे सेट करके यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑन की तरफ आओगे तो फ्रेंड्स यहाँ क्विक रिस्पॉन्स सेटिंग है, तो सब फ्रेंड्स आप सिम कार्ड वगैरह इंटर कर लोगे अपने फ़ोन में तो आप क्विक रिस्पॉन्स को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स साउंड वर्जन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आके फ्रेंड्स आप डायरेक्ट साउंड वर्जन सेटिंग को ऑन करके यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर सकते हो जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपको दिख रहा हो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, तो फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन में कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो फ्रेंड्स यहाँ पर आके आप अपनी अनाउंस कॉलर आईडी को ऑलवेज पे क्लिक करके इनेबल करके यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स जो भी नंबर आपने सेव कर रखा अपने फ़ोन में तो फ्रेंड्स वो इनकमिंग कॉल से आएगा, इस तरीके से इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके से फ्रेंड्स आपके फ़ोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपके फ़ोन में पहले से इनेबल है, आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नेवर पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देना। फ्रेंड्स ये कुछ थी सेटिंग, कॉलिंग सेटिंग आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने आईको के फ़ोन में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।